तेरे सेवा के लिए। बोले तब तक रहो संसार में, बोले 50 साल तक, बच्चे बड़े हो गए, शादी शुदा हो गया, बड़े हो गए, फिर संसार क्या कर। इसलिए आता है एकता वह बान तो बन, मतलब बन में जाओ, अभी वृंदावन में जाओ भजन करने के लिए, हैं अभी और संसार में मत रहो, रहोगे ना फिर बहू आएगी, चाबी काटी सांस नहीं देगी, फिर बहू को साथ में लड़ाई झगड़ा अशांति होगी, हैं। इसलिए बोलते थे झगड़ा होने से पहले वृंदावन में जाकर के भजन करो, भगवान की भक्ति करो। अगर भक्ति करने नहीं गए तो फिर 68 60 61 62 पर सठिया बन जाओगे, फिर तेरे से और कुछ होने वाले नहीं, तेरे से और कुछ होने वाले नहीं। इसलिए कहते भक्ति कब से करे, पर बचपन से, 5 साल उम्र से। प्रहलाद कहते हैं कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति उनको 5 साल से भजन करना शुरू कर देनी चाहिए। बच्चों ने कहा 5 साल से क्यों करे, जब बड़े हो जाएंगे करेंगे। प्रहलाद कहता है तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है, बड़े होने से पहले राम नाम सत्य हो गया तो न्यूज पेपर रोज रोज न्यूज पेपर पढ़ करके देखो, कहीं एक्सीडेंट नहीं, बैठ बैठ कर कहीं हार्ट अटैक तो हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गई, कहीं टेरिस्ट आ करके मार दी, कितने तरह से लोग मरते हैं, कोई गारंटी कार्ड तुम्हारे पास में। बोले अगर इसी जीवन में भजन नहीं होगा फिर अगले जीवन में करेंगे। बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम, ये जन्म भगवान बारंबार नहीं देते हैं, ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार केवल ये मानव शरीर मिला। इसलिए भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये देवताओं के लिए भी भारत भूमि में जन्म लेना, फिर हिंदू घर में, फिर राजस्थान में जन्म लेना तो बड़े भाग्य की बात, मीरा की वंश में जन्म लेना बड़े भाग्य की बात है। इसलिए बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला। इसलिए अगर 68 60 उसको बाद 69 70 इसका मतलब क्या है, सठिया तो हो गए, भजन होना बड़ा कठिन है, हाँ बड़ा कठिन है, हाँ इनके उद्धार हो सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बले सठ सो धरे सत सत सठों का कल्याण हो सकती है। बोले कैसे, अगर भाग्य से कहीं संतों का संग मिल गया, संत का संग का बड़ा प्रभाव है, संत समा का गमा बड़ा दुर्लभ है, सत्संग यही केवल हमारी कल्याण कर सकते। देखो ध्यान देकर सुनो, अगर हमने 50 साल के बाद में वन में नहीं जा पाए, एका वन बा वन, अगर वन में नहीं जा पाए कोई बात नहीं भैया, अपना घर को तो वन बनाओ, अपना घर का तो वन बनाओ, कम से कम अपना घर में तो माला जप करो। इसलिए संतों का कहना है, देखो ये हमारे इस्कॉन का नाम सुने होंगे, वो प्रभुपाद कहते थे बोले देखो भगवान हमें 24 घंटा दिया, कितना घंटा है 24 आवर, वो कहते थे 8 घंटा काम करो, 8 घंटा सो और 8 घंटा भजन करो, उनका नियम है। बोले नहीं 8 घंटा काम करने के लिए कम है, बोले 12 घंटा कर लो, कितना काम करो 12 घंटा बहुत है कि नहीं, बहुत 12 घंटा है, और 8 घंटा सो काफी है कि नहीं, अब कितना घंटा बचता है 4 घंटा। वो कहते थे सवेरे 2 घंटा अपना परिवार को परिवार मत मान, उनका कहना है ये सबके सब हमारे शत्रु है, क्योंकि ये जीवन दिया भजन के लिए है, एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा, ये परिवार हमारा कोई नहीं, ये सब शत्रु है। मान करके सवेरे 2 घंटा बैठ करके माला जप करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, फिर अपना परिवार को मित्र मान, फिर काम करने के लिए जाओ, काम नहीं ठाकुर को सेवा मान कर करो, पैसा कमाओ हैं, पैसा लक्ष्मी है, ठाकुर की सेवा मान करके ये करो, फिर दिन भर सिर्फ काम करो, पैसा कमाओ, भगवान की सेवा की, जब फिर वापस आओ फिर शाम को अपना परिवार को परिवार मत मानो, इनको अपना शत्रु मानो, फिर बैठो घर में गीता रामायण पढ़ो माला जप करो, फिर अपना परिवार को परिवार मानो। बताओ आपको पिताजी की पिताजी की पिताजी का जीवन देख लो, क्या करते थे, यही करते थे ना, सबके सब जितने बड़े बूढ़े
सवेरे सवेरे 4-5 बजे उठ जाएंगे, नहा धो करके हैं पहले गोपाल जी को स्नान कराएंगे, फिर ठाकुर जी को आरती रामायण पढ़ेंगे, यही करते थे ना। क्या करते थे तुम्हारे पिताजी की पिताजी, यही करते थे हैं। फिर ये टीवी इंटरनेट मोबाइल आ करके ना इतने सत्यानाश कर दिया, इतने हमारी संस्कृति को ये अंग्रेजी लोग 200 साल तक भारत और राज्य तो किए लेकिन हमारी संस्कृति को बिगाड़ नहीं पाए। लेकिन ये टीवी आ करके 8-10 साल में सारे पूरा सत्यानाश करके चला गया। फिर ये स्मार्टफोन आया तो पता नहीं ये बच्चे होंगे क्या भविष्य में, इनका जीवन क्या होगा हैं। दिन भर देखना वहा स्मार्टफोन लेकर के दिन भर उसमें उसको उसमें ही पागल है, पिता माता से बात नहीं, पाक नहीं, कुछ नहीं, बस सब उसमें ही पागल है। इसलिए क्या करनी चाहिए, भजन करो, भगवान की भक्ति करो। इसलिए नंद बाबा का उम्र जब 50 साल हो गया ना, उनको थे 5 बेटे, उनने 5 बच्चों को बुलाया, बोले देखो बच्चों तुम लोग बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो गई, हम पति पत्नी और ये माया में नहीं फंसना चाहते, लेकिन हम क्या चाहते है ना, जितने साल उम्र होगा बेटा अगर बड़ा हो जाएगा ना, हम तो फ्री हो जाएंगे, बेटा बड़ा हो गया सोचते हैं बेटा से तो पढ़ाई हो जाएगी फ्री हो जाएगी, पढ़ाई हो गया फिर सोचते हैं बेटा का शादी हो जाए फ्री हो जाएगा, शादी हो गई फिर जब नाती पति हो गए ना, उसको पहले तो थोड़ा बहुत भजन कर लेते थे, थोड़ा सत्संग में जाते थे, लेकिन जब नाती पति हो गया अगर सत्संग में जाओगे तो बहुत आना मारेगी, बोले डोकरी घूमते रहती है, कोई काम धंधा है नहीं, बच्चे को देखती नहीं, मुंह फुला कर बात करके रोटी पैक करके दे, दिन भर डोलती रहती है, कोई काम नहीं, बच्चे को पकड़ती नहीं, घूमती रहती है सत्संग में। आप देखना जैसे मकोड़े जाल बनाते हैं ना और लास्ट में उसी जाल में फंस करके मर जाते हैं, हम भी ऐसे संसार करते 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 इतनी बुरी तरह से लास्ट में फंस जाते हैं, वही चिंतन करते करते जीवन गया। इसलिए श्री नंद जसोदा कह रहे हैं हमें जान बुझ करके टांग अड़ा करके संसार में नहीं रहनी चाहिए, संसार में रह करके भजन करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। इसलिए बोले भैया अपना राज्य संभालो, हम पति पत्नी जा रहे हैं, हम तो भजन के लिए जा रहे हैं। जब बोले बड़ा बेटा को राज गद्दी पर बैठना चाहते हैं, बड़ा बेटा ने कहा पिताजी मैं बड़ा बेटा होने पर भी ये गुण मेरे अंदर में नहीं, श्री नंद बाबा को अंदर में ये गुण है। सब लोग खुश हो गए, बोले बात सही है, ये नंद ही राजा बनने का योग्य है। उनको अभिषेक करके चले गए भजन के लिए। अभी सबका बच्चे लेकिन नंद बाबा का कोई बच्चे नहीं, इसलिए उन्होंने बड़ी कठोर साधन तपस्या यज्ञ किया, लेकिन घर में बच्चे नहीं हुए। एक दिन गांव में कुछ संत लोग आए थे भ्रमण करते करते, उन्होंने संत सभा की बड़ी महत्व बताए, बोले नंद जो ना करे लकड़ी कहते सो करे फकीरी, लकड़ी मतलब होता है भाग्य, तुम्हारी भाग्य में जो नहीं, फकीरी मतलब होता है संत, अगर संतों का आशीर्वाद हो जाए ना तुम्हारे भाग्य में जो नहीं वो भी हो जाता है। बोले भैया जब गंगा बहते बहते घर के सामने आई पर उसमें स्नान गोता क्यों नहीं लगा लेते हो, बोले बाबा हो जब संत सेवा की इतने महत्व है, कुछ दिन ये गोकुल में भी रह जाओ और मेरी सेवा करो, मेरी सेवा को स्वीकार करो। बोले ठीक है, जब खाना पीना मिले तो रह ही जाए, संतों की बड़ी सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये संतों को पता चला नंद बाबा का घर में कोई लाला नहीं, इसलिए मन में इच्छा घर में के लाला की जन्म हो जाए। एक दिन चर्चा कर रहे थे, किसी ब्रजवासी ने देखा देख करके नंद बाबा को बोले, बोले नंद बाबा मैंने सुना है ये संत चर्चा कर रहे थे नंद के लाला कब है, वो नंद के लाला कब होगा, मैंने सुन, बोले तुमने सुना, बोले अभी अभी सुनकर कह रहा हूँ, वो चर्चा कर रहे थे, बोले भैया जब संत कहते हैं मेरे घर में लाला कब है, वो मेरे घर में तो जरूर लाला होगा। भैया संतों को चकाचक भजन करवाओ, बढ़िया बढ़िया मालपुआ खीर हैं खिलाओ संतों को। अभी सचमुच से मैया जसोदा की उम्र बीत गई थी बच्चा होने का। एक दिन नंद जसोदा दोनों ब्रह्म मुहूर्त में बड़ी सुंदर स्वप्न देखा, वो स्वप्न किया है बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थली पयोधार स्फुट मसौ क्रीडांग मयाम लोक्यते। अगर इसी ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखो ना सच हो जाता है, वो ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखा, इतने मैया की नींद खुल गई। श्री नंद बाबा को बोले, बोले मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखो है,
नंद बाबा बोले मैंने भी बड़े सुंदर स्वप्न देखो, बोले तुम बता फिर मैं बताऊंगा। मैया बोली मैंने देखा मेरे पीछे पीछे एक श्याम रंग का बड़ा सुंदर बालक मैया मैया करते करते पीछे पीछे आ रहे का कपड़ा खींच रहा है, मेरे को गोद में उठा लो, लग रहा था सचमुच से कोई लाला है। नंद बोले मेरी स्वप्न सुन लो, बोले बताओ, बोले मैंने देखा तेरी गोद में एक सुंदर श्याम रंग का बालक पौ रहा है और तुम्हारी स्तन पीते पीते दोनों धार से दूध बहते बहते कुर्ता भीग रहा है, मेरे को स्वप्न नहीं लगा लगा तेरी गोद में एक बालक है। उसी रात को ही मैया दशोदा गर्भ धारण की, पूरा ब्रज में हला हो गया, नंद के लाला होने वाला है और जितने गोपियां थी ना तुम्हारी जैसे जैसे 84 गज की लहंगा बनाकर करती, बड़ा सुंदर चुंदरी और गहना रखे, नंद के लाला होगा तो पहन करके हम बधाई देने जाएंगी। और जितने गोप थे बगल बंधी धोती टोपी बना करके रखे, हम भी इसको पहन करके बधाई देने जाएंगी। अभी नंद बाबा की एक बहन थी जिसका नाम थी सुनंदा, जब पता चला भाभी गर्भवती है वो 6 महीना पहले से आकर बैठ गई। बोले क्यों? बोले लाला होगा ना मेरे को नवला हार मिलेगी, वो पहले ही आकर बैठ गई है, हार मेरे को मिलेगी। अभी घर का सारे काम धाम को बड़े भाग भाग कर कर रही, क्यों? नवला हार मिलेगी। अभी लग रहा है मैया जसोदा अभी तो मशीन निकल गया, पहले पता लगा देते हैं लाला होगा ना लाली होगा, लेकिन पहले बड़ी बूढ़ी कुछ आंधा जैसे बोल देती थी ऐसे, बोले मैया लगता है तेरी गोद में एक लाला है गर्भ में। बोले पता कैसे चला? बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, मतलब लाला होगा। किसी गोपी ने बोली तूने कुआरी पड़े में जुड़वा केले तो नहीं खा ली? बोले क्यों? लगता है तेरे पेट में 2 बच्चे होने वाले। सचमुच से 2 बच्चे थे, एक कृष्ण और जोग माया। जब गर्भ में बच्चे होना माताओं को चटपटी चीजें अच्छी लगती है, बोले मेरे मन में तो खीर खाने की इच्छा हो गई, तो उन्होंने बड़े सुंदर खीर बनाए, सालग्राम को तुलसी दल से भोग लगाए और उनको उन्होंने खीर खिलवाए। अभी निया में एक गर्भ संस्कार, जानती हो गर्भ संस्कार मतलब? गर्भ में माताएं सुने सबके सब, गर्भ में बच्चे रहते समय उनको सुंदर सुंदर भगवान की तस्वीर दिखवा, ठाकुर को लीला दर्शन कराओ, फिर वो बच्चा बड़ा भक्त बनेगा और तुम्हारी बड़ी सेवा करेगी, ये गर्भ संस्कार है। अब देखना कोई कोई बच्चा तो घर में बड़े आज्ञाकारी होता है, आप देखना कोई कोई बच्चा एकदम बात नहीं सुनता है, एकदम उल्टा चलता है। बोले क्यों? माताओं की दोष है। अगर गर्भ में बच्चे रहते समय गीता भागवत रामायण पढ़ते वो बच्चा संस्कारी बनकर आएगा, पिता माता की खूब बात सुनेगा, सेवा भी करेगा हैं? अगर उल्टा पुल्टा डिस्को ध्यान गद्दी गद्दी पिक्चर देखोगे वो जन्म से ही बंदूक लेकर आएगा, गुंडा बनकर के आएगा हैं? इसीलिए इसको कहते गर्भ संस्कार। उनको बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर की तस्वीर उनको दिखाई जाती थी हैं? अभी ऐसे लग रहा है आज रात को ही किसी लाला की जन्म हो जाएगी। अभी पहले गांव में 8 बजे तक हम सोते थे, उसको बाद जगते थे, उसको बाद में सो जाते थे। मतलब 2 घंटा 2 घंटा ड्यूटी लगवा दो, पता नहीं बच्चा कब जन्म हो जाएगा, ड्यूटी लगवा दिए। अभी 8 से 10 बजे तक जिनको ड्यूटी, वो तो कीर्तन किए ढोलकी बजीरा लेकर के, जिसको 10 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी लगाया ना, जोग माया आकर के सबको सुला दी है, कहां ढोलकी गिरी कहां चिमटा गिरी किसको पता ही नहीं चला। पता नहीं कब श्री वसुदेव महाराज आकर के बेटा को रख करके कब बेटी को ले गए किसको पता ही नहीं चला। अब एकदम सवेरे सवेरे सुनंदा की आंख खुली, देखा सब सोए पड़े हुए, क्यों? जोग माया सबको सुला दी। बोले भैया भाभी का क्या हालत तो देखो, दरवाजा खोल करके देखा बड़ा सुंदर श्याम सलोनसा एक बालक मैया की गोद में लेट करके किलकारी मारते हुए खेल रहा है। देखो आप लोग बच्चे जन्म दिए होंगे, जब बच्चे जन्म देते हैं कितना कष्ट होता है आपको पता होगा, क्या मैया को पता नहीं चला? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले जन्म कौन ले रहे हैं, किसने जन्म लिया? आनंद कंद स्वयं रस्व स्वरूप आनंद स्वरूप जन्म लिया, वो सचिदानंद स्वरूप है। इसलिए भगवान जन्म होने का नाते मैया को तो पता चला, थोड़ी मीठी मीठी दर्द हुई, लेकिन पता तो चला बच्चा कोई हुआ, लेकिन लाला हुई ना लाली हुई उसको पता ही नहीं पड़ा। क्यों? भगवान जन्म हुए ना उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। इसलिए सुनंदा देखा अरे ये लाला का जन्म है गए, पता नहीं किसको सो रहे हैं। बोले पहला खबर तो श्री नंद बाबा को देनी चाहिए, तेरे को मेरे को नवलाख हार मिलेगी।
ढूंढा नंद बाबा कहां पर, ढूंढते ढूंढते देखा ब्रह्मांड घाट में नंद बाबा तो माला जप कर रहे, माला जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में छुरा कब आएगा, लाला कब आएगा, लाला कब आएगा, लाला ये सोच रहे थे है। इतने में सुनंदा आकर के बोल दिया, बोले भैया कमाल है गयो है, जब इतना बोले नंद बाबा तो छलांग लगा दिए, बोले बहन ने कहा भयो है, पहले बताओ मेरे को मिलेगा क्या, फिर तो मैं बताऊंगी। बोले ले नवला की हार ले ले, लेकिन बता घर में कहा भयो है। बोले भैया बात इतने बड़ी है, जिसको सामने ये नवला की हार भी कुछ नहीं, बोला और क्या दोगे। बोले यमुना किनारा में जो गैया चरते ना, जितने जमीन जागा सारे तेरे नाम पर लिखा दूंगा, और बता। बोले भैया बात इतने बड़ी, वो जमीनी जगह तो भी कुछ नहीं। बोले क्या इतने बड़ी बात, बोले हाँ। बोले बताओ और क्या दोगे। बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी काटी, तू पकड़ ले सारे ट्रेजरी का सारे चाबी काटी ले ले, बता तो कहा भयो है। बोले भैया ट्रेजरी का चाबी काट भी कुछ नहीं। बोले क्या इतने बड़ी बात, हमने बात इतने बड़ी, बताओ और क्या दोगे। बोले आज से मैं तेरा बन गया, बताओ तो कहा भयो है। बोले बाबा तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की। अभी नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगाए, जितने ब्रजवासी थे, बोले नंद जीवन में पहला बार लाला का मुख दर्शन करोगे, लेकिन कम से कम सरधज कर जाओ। बड़े सुंदर बगलबंदी टोपी और उनको धोती पहना दिया, गले में माला और सुंदर तिलक लगा, बोले जाओ। नंद बाबा आए, इतनी कठोर तपस्या की थी, आशीष स्वर की पूजा की, एकादशी, आज जो एकादशी है ना, है उन्होंने एकादशी व्रत की, और एक एकादशी का नाम था पुत्रदा एकादशी, उन्होंने वो पुत्रदा एकादशी करके कृष्ण को प्राप्त किया है, इसलिए एक एकादशी का नाम पुत्रदा। मतलब जिनकी संतान नहीं होता है वो एकादशी व्रत कर उनको घर में पुत्र जन्म लेता है। इसलिए नंद बाबा जब लाला के मुख दर्शन की, उन्होंने संकल्प किया ब्राह्मण संतों को 20 लाख गैया में दान दूंगा, और 7 तिल का पर्वत, तिल दान का बड़ा महत्व है, हाँ? मखमल वाले कपड़े ओढ़ करके मैंने सबको दान दूंगा, पहले साधु संत ब्राह्मण को बुलाओ, मेरे लाला को आशीर्वाद दे। सबके सब लाला को आशीर्वाद दिए, बोले जाओ पूरा ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो, सारे ब्रजवासी बधाई देने के लिए आए। और सुनते ही जितने गोपियां, आज जैसे श्रद्धा जगह तुम लोग आए ना, हैं सब लाल लाल कपड़े पहन करके, हाँ साड़ी चुंदरी और लहंगा पहन करके, सब गोपियां श्रृंगार करते हुए एक मटकी में दही, एक में दूध, एक में घी, एक में मक्खन सर पर रख करके आ रही थी। आते समय कान में कुंडल पहन रखी थी, वो कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों। बोले तुम पहुंचने से पहले हमें ही छोड़ दो, हम भगवान की बधाई देंगे। चोटी में सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार की थी, एक एक फूल गिरते गिरते चरणों में गिर रहा था। बोले क्यों। बोले जो व्यक्ति भगवान को बधाई देने जा रही है, जन्म उत्सव में उनकी चरण की पूजा हमें करनी चाहिए। अगर चोटी में रहेंगे ना, यमुना में बहा देंगे, अगर ब्रज रज में मिल जाएंगे, कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े होंगे, ठुमुक ठुमुक कर चलेंगे, उनका चरण की स्पर्श मिलेगा। और जितने गोपियां आ करके मैया जसदा को बधाई दे रही थी, हाँ देखो गोपियां ध्यान देखो सुनो, तुम लोग सब गोपियों का दल हैं, मैया जसोदा की आप बधाई दोगे, मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग बोलना बधाई हो, बधाई हो, ठीक है। बोले मैया जसोदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैं आनंद लिया है, मैंने देखा कुछ तो बोल रहे और कुछ चुपचाप बैठे हुए, आज एकादशी व्रत किया ना, इसलिए आवाज लिया, इसलिए देखो उसको बाद में फिर गोप लोगों का नंबर आएगा, हारना नहीं, इतने जोर से बोले जैसे गोप लोग हार जाए, ठीक है जोर से बोले और एक बार। बोले मैया जसोदा बधाई हो, मैया बोली बधाई हो ब्रज की गोपियों, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिलो है, कि लाला मेरो नहीं लाला तुम लोग का लाला है। और जितनी गोपियां थी ना वो लाला को बधाई दे रही थी, क्या बोल रही थी, बोले जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो ललना।
नंद बाबा को बधाई दे रहे थे, नंद बाबा के दल हारना नहीं, इसलिए जितने गोप लोग सबके सब नंद बाबा को बधाई दे रहे थे, और मैं बोलूंगा बधाई हो, आप लोग बोलो ना बधाई हो, बधाई हो, बोले नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। ये गड़बड़ी करता है ना, गड़बड़ी कर दिया। लेकिन जो कुछ होने पर ना जीत तो गोपियों की जीती है, राधा रानी की जीती है, राधा रानी की जीती है। हाँ देखो, जब कृष्णा और राधा रानी दोनों खेलते हैं ना, अगर कृष्णा जीत जाए तो कृष्णा खुश नहीं होते, अगर राधा रानी जीत जाए ना कृष्णा खुश होते हैं। इसलिए सब कृष्ण का दल है, तभी हम खुश होंगे जब राधा रानी सब जीत जाएगी, इसलिए तुम्हारी खुशी हो खुश हो, ठीक है ना। अभी सब नंद बाबा वाले तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़े उम्र में भी मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिलो। ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोगों का लाला है। जितने ब्रजवासी कन्या को सब आशीर्वाद दे रहे थे, जुग जुग जियो रे हैं जसोदा मैया तेरे लालना, सब तो आ गए, केवल दो व्यक्ति बाकी रह गई। बोले कौन? एक वृषभानंद महाराज और एक कीर्तिका सुंदर। ये कौन है? राधा रानी के पिता और माता। अगर ये दोनों आ जाए ना, फिर ये उत्सव प्रारंभ होगी। देखते देखते दोनों प्रवेश किया है। मैया कृतिका राजकुमारी बड़ी सुंदर साड़ी लहंगा चुनरी पहन करके हीरे जवाहरात से श्रृंगार की हुई वसुप श्री श्री वृषभान महाराज बड़े सुंदर जब प्रवेश किए, इतने में मैया कृतिका भी दूध दही मक्खन तीन चार मटकी में धर करके आई थी। प्रारंभ होगी, एक गोप ने किया की डंडा लिए और मटकी को बड़े जोर से मारी, मारते ही मटकी तो फूट गई और श्री कीर्तिका मैया दूध दही से स्नान कर ली। एक दधी का दी होते हैं, दही में घी और हल्दी मिला करके दूसरों को ऊपर लगाते हैं, ये मंगलवाची है। एक दूसरों को ऊपर लगा रहे थे और कह रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के लाला की। दही लाए थे, सब किच किच हो गया और फिसल फिसल करके एक दूसरों के ऊपर गिर रहे थे, हैं सबके सब गिर रहे थे, और मक्खन डेले के डेले उठा करके एक दूसरों के ऊपर फेंक रहे थे। एक बड़ी बूढ़ी आई थी 100 साल की, उसका एक भी दांत नहीं थी, वो ऐसे देख रहे थे। बोले भैया बड़ी जोर की नंद महोत्सव है रहे हो, एक गोप ने किया क्या, उठाया मक्खन की एक डेला और उसको मुंह को लक्ष्य करके मारे, उसको एक भी दांत थी नहीं और मुंह में लगा ना सीधा अंदर में सटा गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, हाँ कोई भूखे नहीं रहते हैं। और इतने में सब के सब गा रहे थे और नंद बाबा का आंगन बहुत बड़ी, राजा है ना बहुत बड़ी आंगन, इतने में नंद बाबा बैठ करके देख रहे थे। ब्रजवासी बोले नंद बाबा तेरे घर में लाला भयो है, देख ये सारे ब्रजवासी कैसे गा रहे हैं और कीर्तन कर, आज तक कम से कम नाच लो। नंद बाबा को खींच करके ले गए, बोले कहां आंगन में, आंगन तो बड़ी थी, इतने दूध दही लाए थे पूरा दूध दही से भर गया था, हैं ऐसे लग रहा था जैसे कोई खीर समुद्र प्रकट हो गया। कल हम श्रवण कर रहे थे, देवता दैत्य मिलकर के लवण समुद्र मंथन किया, हैं ये एक रजोगुणी एक तमोगुणी, और लवण समुद्र सबसे पहले कौन निकला, सबसे पहले 20 निकला,
जिसको स्वयं शंकर जी पान करके इनका नाम हो गया नीलकंठ महादेव। बस नीलकंठ महादेव की। लेकिन ये उत्सव में सबसे पहले कौन निकले? बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद मानना। यहाँ पर तो स्वयं आनंद कंद कृष्ण स्वयं प्रकट यहाँ पर हुए। अभी जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला था, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित कृष्ण महोत्सव में नंद बाबा इतने हीरे जवाहरात को दान दिए, ब्राह्मण लोग तो गठरी बांध बांध करके ले नहीं पा रहे थे, गठरी की कोने से हीरे जवाहरात गिरते 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 जा रहा था और अली गलियों में बिखर रहा था। ऐसे लग रहा था भगवान कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर मैया लक्ष्मी प्रसन्न होकर के गली गलियों में नाच रही है, ऐसे लग रहा था। हैं? अभी स्वयं शंकर भी आए थे, वो भी डर गए। बोले क्यों? उनने 20 लाख गया दान दिया। कितना? शंकर जी का वाहन कौन है? शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी। वो भी बैल है। शंकर तो डर गए। बोले क्यों? बोले 20 लाख जहाँ गया दान दे रहे हैं, भैया ऐसे नहीं हो वो गैया को देते देते मेरे नंदी को भी गैया तो मान करके दान में नहीं दे देंगे, फिर मैं जाऊंगा कैसे? हाँ, बगैर बहाने के उन्होंने नंदी को पूछ को पकड़ लिया। हाँ, इतने में मैया पार्वती भी आई थी। पार्वती की 2 बेटे कौन कौन है? कार्तिक और गणेश। गणेश का सर कैसे? हाथी गजानन। बोलना हाथी घोड़ा बाल की। उन्होंने इतने हाथी दान दिए। बोले भैया हाथी देते देते ऐसे नहीं, भूल से मेरे बेटे को तो हाथी मानकर दान नहीं दे देंगे। फिर उन्होंने गणेश जी को गोद में उठा ली और बड़ी चुपका करके जोर से खड़ी थी। वहां पर स्वयं श्री कुबेर आए थे। कुबेर कौन है? सारे रुपया पैसा धन दौलत के ट्रेजरी जिसको पास में। लेकिन आज श्री नंद बाबा इतने हीरे जवाहरात दान किए, कदे लज्जित हो गया वरुण है, स्वयं लज्जित हो गया, उसका सर नीचा हो गया। बोले भगवान झूठ मूठ का मेरे को कुबेर बना दिया। आज नंद बाबा इतने धन दौलत दे रहे हैं, मेरे पास में भी इतना है नहीं। बोले भैया कहाँ से आया? कहाँ से आया इतना धन दौलत? जहाँ अली गली में हीरे जवाहरात बिखर रहा है, हमको इतने बड़े हीरे मिल जाए ना बस, हम तो माला माल हो जाएगा। और वो गली गली में बिखर रहा है, कहाँ से आई? बोले कृष्ण जब आए उनकी जो लादिनी शक्ति स्वरूप शक्ति उनकी जो लक्ष्मी राधा रानी भी प्रकट हो गई है। राधा रानी स्वयं प्रकट होकर के रीति सिद्धियों का आदेश देती है। मेरे प्रियतम की जन्म उत्सव में इतने दान देने वाले रहे, लेने वाले कोई नहीं रह जाए, सब देने वाले बन जाए, इसलिए वहां सबके रिद्धि सिद्धि प्रकट हो गई और जितना दे उतने बढ़ते जाए। बोले क्यों? जहां पर स्वयं राधा रानी आई है, हाँ, जिनकी चरण की नाक से कितने लक्ष्मियां प्रकट होती हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय जय। सारे ब्रजवासी नाच रहे गा रहे, प्रभु जी एक भजन गाएंगे जो भजन है कृष्ण का जन्म उत्सव की भजन है, इसमें सबको नाचने का ठीक है। अभी तो 1-2 गोपियां नाच रहे थे, अभी सबके सब खड़े होकर के, कल तो कृष्णा मथुरा में जन्म होगी, आज जो असली जो नंद उत्सव आज है ना, अभी कृष्ण जन्म हुए है। कृष्ण की जन्म उत्सव में जो एक बार नाचेगा ना, फिर 84 लाख जन्म नाचना बंद तुम्हारे, सीधा ठाकुर के पास में चली जाओगे ठीक है। अभी प्रभु जी एक बधाई गाएंगे, फिर हमारी बंसी बजाने पर कथा बोलेंगे, फिर एक माला करेंगे और राधा रानी की जन्मोत्सव कथा सुनकर जाना। हाँ देखो, कल है भागवत में सबसे बड़ा उत्सव है। कल क्या है? कल श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा है। कल श्री गिरिराज की पूजा सबसे बड़ा उत्सव है। कृष्ण स्वयं ये बात को बताए, अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न का दाना कोई अगर भोग में लगा दिया, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की किसी जीवन में कमी नहीं होगा, ये कृष्ण स्वयं बोले, केवल एक अन्न का दाना। इसलिए कल आप लोग अपना घर से कुछ कुछ बना करके लाना ठीक है ना, कुछ कुछ बना करके लाना और गिरिराज गोवर्धन की भोग लगेगी पवित्र से, बगैर प्याज लहसुन के भोग करके लाना ठीक है ना। और यहाँ पर ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर ये प्रसाद आप सबको मिलेगा, वो चीज बना करके लाना जो सबसे बढ़िया बनाते हो। क्या बनाते हो? हलवा।
नहीं सब लोग थोड़ी अलग अलग होगी चीज थोड़ी छापान भोग होनी चाहिए ना। आप लोग अगर अलग 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 कोई बना करके लाओगे छापान तरह का भोग हो जाएगा। इसलिए कल यहाँ पर एक टेबल रख लेना अच्छे तरह से, ठीक है, सामने टेबल रख लेना और जो कुछ लाएंगे ठाकुर को भोग लगेगा, फिर वो प्रसाद कल आपको ये प्रसाद मिलेगा। और आज एकादशी तिथि है, आज एकादशी, कौन कौन एकादशी रखे है, वाह बढ़िया, सबके सब एकादशी व्रत रहेगा। हाँ, इसको देख करके मेरे को बड़ा आनंद हुआ है। देखो मैं सारा दुनिया में जाता हूँ कथा करने के लिए जाता हूँ, मैं भी एकादशी की महिमा तो बोलता हूँ। हाँ, लोग कथा सुनकर एकादशी व्रत रखते हैं, लेकिन मैंने देखा जैसे आप लोग सबके सब हाथ उठाए ना, मतलब जानते हो आप करोड़ों जन्मों की आपका पुण्य है, करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य है, तभी ये एकादशी व्रत भागवत में जो इसको कोई रख सकते। इसलिए आप बड़े भाग्यवती हो जो एकादशी व्रत को किए हो। और एकादशी व्रत छोड़ना नहीं, ठीक है ना, आज रख लिया, अभी एक भजन गाएंगे, प्रभु जी भी थोड़ा कथा सुनाएंगे, हो सकता है थोड़ा एकादशी महिमा हो लेंगे, ठीक है। एकादशी करने से क्या होता है, एकादशी की क्या महिमा है, प्रभु जी थोड़ा एकादशी कथा सुनाएंगे, अभी प्रभु जी एक भजन गाएंगे नंद महोत्सव का। आज पर भी सी ब्रजना बड़ी सी रात में नड़वा बुलावा, अरे जाया यशोदा जननी सी रानी ने बड़ी सी रात में नड़वा बुलावा, जय हो अरे जायो अरे जायो यशोदा जी ने लल्ला वो हल्ला में हल्ला सो सच गए, हो जायो यशोदा जी ने लल्ला हल्ला में हल्ला सो सच गए, हल्ला सो सच गए 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 Oh,
अरे मैया कहाँ लुटावे, अरे मैया लुटावे छापे छापा I'm gonna make it.
मंत्र जप में